नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल बजा देंगे तो सभी पोल्ट्री के रेट भी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन रोज आपको मिलती रहेंगी। आज का मुद्दा है पोल्ट्री फार्म पे बीमारियों को कम कैसे किया जाए, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल डिजीज हो। बहुत सारे किसान जानते भी हैं, नहीं भी जानते जो लोग, उनके लिए वीडियो बहुत काम की हो सकती है, और जो लोग जानते हैं हो सकता है उसमें एक दो पॉइंट अच्छे आ जाएं जो आप ना जानते हो, इसलिए वीडियो अंत तक आप देख लें। सबसे पहली गलती क्या हो रही है, कई पोल्ट्री किसानों के वहां देखा गया कि पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं जिसमें कबूतर हों या अन्य पक्षी भी होते हैं, जंगली पक्षी जिन्हें कह लें, तो वो जब घोंसला बना लेते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है, और जो कमर्शियल लेयर या ब्रॉयलर है इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो कई बार उन पक्षियों के साथ साथ जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीज है उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं और अपने साथ उनका सोर्स भी जो वायरल और बैक्टीरिया का है वो भी ले आते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपके पोल्ट्री फार्म पे अलग इनके घोंसले ना हों, और बत्तख पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री या देसी मुर्गी पालते हैं वो भी इस तरह से अपने पोल्ट्री फार्म के साथ ना पालें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि छोटे चूजे, जब डे ओल्ड चिक्स जिसको कहते हैं आप लोग, वो चूजे जब आते हैं तो आपकी तैयारी कई बार लेट होती है, और चूजे आपके बहुत दूर से भी आ रहे हैं, कई किसानों के नजदीक से भी आ रहे हैं, चाहे नजदीक से आए या दूर से आए, अपनी तैयारी आप 7-8 घंटे पहले ही पूरी कर लें, और जहां चूजे आपके पलने हैं वो टेम्परेचर पूरा मेंटेन रहे और 1-2 घंटे पहले ही मेंटेन रहे, हो सके 4-5 घंटे पहले ही मेंटेन रख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बर्ड जब आता है वो स्ट्रेस में होता है, उस स्ट्रेस कंडीशन में, क्योंकि कई बार सर्दी में आता है कई बार गर्मी में भी आता है, तो स्ट्रेस कंडीशन में जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसे उबार लें, ताकि बर्ड का स्ट्रेस जितनी जल्दी कम होगा उतने बीमारी आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और पहले आप कुछ घंटे आप गुड़ का पानी देते हैं या शक्कर का पानी देते हैं, गुड़ का पानी या शक्कर का पानी आप देने के बाद जब आप उनको दूसरा पानी दें उसमें इलेक्ट्रोलाइट जरूर दें, उसमें हल्के या कम डोज में आप मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बर्ड का इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है शुरुआती वक्त में। और कई बार ऐसा होता है कि चूजे के अंदर कुछ बीमारियां पेरेंट से ही आ जाती हैं, तो इसलिए शुरुआत के जो दिन है आप अपने बर्ड को डॉक्टर से चेक करा लें, अगर कोई भी आपको उसमें समस्या लगती है तो शुरुआती दिनों में ही उसको आप ट्रीट कर लें, ताकि आगे चलकर वो समस्या गंभीर ना हो, क्योंकि सर्दियां होती हैं तो गाउट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए पानी आप गुनगुना ही दें, आप पानी का जो टैंक है उसमें उबलता हुआ पानी कुछ डाल देते हैं ताकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये बहुत जरूरी माना गया है, इससे गाउट की समस्या कम हो जाती है, और गर्मियां हैं तो आप उनको ठंडा पानी दें, ये भी बहुत जरूरी है, इससे भी बीमारियां आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इक्विपमेंट में एक गलती हो रही है, कुछ किसान दूसरे किसानों से अपने इक्विपमेंट की अदला बदली कर लेते हैं, ये ना करें, अगर बहुत मजबूरी है तो उसे अच्छी तरह से आप साफ कर लें और अच्छे डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन कर लें, और फिर उसके बाद साफ पानी से साफ कर लें, फिर वो बर्ड को आप उपयोग में लाएं। और एक इंसेक्ट्स, मक्खियां और मच्छर, ये पोल्ट्री फार्म पे बहुत आम बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखें मच्छर और मक्खियां भी बैक्टीरियल या अन्य बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं, पानी के भी टैंक आपके कहीं पर खुले रहते हैं उसमें भी मच्छर आते हैं और मक्खियां भी आती रहती हैं, उससे भी पानी में या फीड में बैठते हैं, इससे भी बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि मच्छर और मक्खियों के लिए भी आप स्प्रे करें, और स्प्रे भी ध्यान से करें कि बर्ड उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बर्ड को उस स्प्रे से नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साल्मोनेला जैसी बीमारी भी या अन्य बीमारियां भी जो जिसमें एंडी कह लें या टेप वर्म भी कह लें, इसके अलावा फाउल पॉक्स भी कह लें जो मच्छरों से फैल सकता है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जो गलती है वो है डेड बर्ड को लेके, डेड बर्ड को लेके इसलिए क्योंकि कुछ पोल्ट्री किसानों की आदत है कि वो डेड बर्ड जो है कुत्तों को या बिल्लियों को खिला देते हैं, आवारा को हो या पालतू हो, ये भी बहुत गलत आदत है। पहली बात तो आपको उनको डिस्ट्रॉय करना है तो बड़े तरीके से करें, इनको जला देते हैं कुछ लोग बहुत गहराई में दबा देते हैं, या उसको अलग तरीके भी कुछ मशीनें हैं उनके लिए, उसमें हम नहीं जाएंगे फिलहाल, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पालतू या आवारा कुत्ते बिल्लियों को वो मरे हुए बर्ड नहीं खिलाने, और अगर आपको लगता है बहुत जरूरी है खिलाना तो बहुत अच्छे तरीके से 15-20 मिनट उबालने के बाद ही वो उसको यूज करें। कुछ किसान जो ये काम करते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं, उनका फायदे में रहना इसलिए क्योंकि वो अंधेरे के वक्त
अपने पोल्ट्री फार्म पे अलग अलग जगह पर बहुत शांति से बैठ के बर्ड की आवाज सुनते हैं और आप उस आवाज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं कोई समस्या तो नहीं आने वाली, जैसे बर्ड का छींकना या बर्ड जब सांस ले रहा है तो खड़ खड़ की आवाज आना या इसके अलावा भी कोई अन्य समस्या है तो आप पहले ही से पहचान लेते हैं और शुरुआती स्टेज में ही जब आप इलाज करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उसको ट्रीट करना और आने वाले वक्त में कोई गंभीर समस्या ना बन जाए उससे पहले आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए इंस्पेक्शन आप अंधेरे में लाइट बंद करके बिल्कुल शांत माहौल में आप बर्ड की आवाज सुने तो शुरुआती स्टेज में भी आप इसे कवर कर सकते हैं। बोरियां, कुछ किसान पुरानी बोरियां यूज करते हैं, ये भी बंद कर दीजिए क्योंकि वो भी बहुत एक अप्रत्यक्ष रूप से बैक्टीरिया और वायरल का सोर्स हो सकता है। कुछ किसानों की आदत है कि अपने पोल्ट्री फार्म पे अन्य पोल्ट्री किसानों के साथ मिलकर बैठते हैं, इससे एक नुकसान क्या है कि हर पोल्ट्री फार्म पे अलग अलग वायरल और बैक्टीरिया का लोड होता है, दूसरे पोल्ट्री फार्म पे जाते हैं तो वहां भी ये लोड या उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर हो सकता है वायरल और बैक्टीरिया का और वहां भी वो बीमार हो सकते हैं बर्ड। तो इसलिए बहुत मजबूरी हो तभी आप किसी को पोल्ट्री फार्म पे एंट्री करने दें, चारों तरफ से आप जालियां लगा दें और बोर्ड भी जरूर लगा दें बायोसिक्योर्ड एरिया, बोरियां बेचने वाले हों या इसके अलावा पोल्ट्री से जुड़े हुए अन्य पर्सन भी हैं जैसे इंजेक्शन लगाने वाले हैं, इन लोगों को भी आप कोशिश करें कि बहुत मजबूरी में बुलाएं और जब बुलाते हैं तो हाथ पैर धुलवा लें, उनके शूज एंट्री ना हो, जो उनके जूते हैं वो एंट्री ना हो और अच्छे डिसइंफेक्टेंट से उनके हाथ पैर धुलवा लें और कपड़े उनके चेंज करा दें। और आपको लगता है ये कि असंभव, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म या बहुत बड़े लेवल के स्तर पे जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो तो इस बात को अपनाते ही हैं और अपने इस जो पोल्ट्री फार्मिंग एरिया को बहुत सीरियसली लेते हैं, किसी भी बात को कम सीरियस नहीं लेते। पानी के टैंक की सफाई की क्लीनिंग है, जब पोल्ट्री के बर्ड चले जाते हैं उसकी क्लीनिंग को भूल जाते हैं वो जरूरी है, पानी के पाइपों की क्लीनिंग है वो भूल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक है, आप इन चीज़ों को भी क्लिक करके आप वो चीज़ें भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें करेंगे तो आप आने वाले वक्त में पोल्ट्री का मुनाफा बढ़ा सकते हैं, कम से कम उन चीज़ों से कि जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीज से जो मुनाफा आपके पोल्ट्री फार्म पे घट रहा था। ये बातें इसलिए हैं क्योंकि कमर्शियल ब्रॉयलर या लेयर फार्मिंग से जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है और इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बर्ड को ये बीमारियाँ बहुत जल्दी लगती हैं, इसलिए ये चीज़ें ध्यान देने लायक हैं और बहुत ज़रूरी हैं। कल सुबह फिर हाजिर हो जाएंगे ब्रॉयलर और अंडे के भाव लेकर, वीडियो नीचे लाइक कमेंट शेयर और ऐड टू प्लेलिस्ट कर देंगे, पब्लिक कर देंगे तो इससे ज्यादा लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।